हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं अजय कुमार विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम KVM के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। हेलो एल्केन, हेलो एरिन में हमारा जो अब लास्ट टॉपिक चल रहा है वो है ट्राई हेलो एल्केन्स। इसमें हमने क्लोरोफॉर्म पढ़ लिया था, CHCl3। आज हम पढ़ेंगे CHI3, आयोडोफॉर्म पढ़ेंगे, और इसके बाद पढ़ेंगे टेट्रा हेलो एल्केन। इसमें हम CCl4 ही पढ़ेंगे, उसको बनाने की विधि, उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हम आज शुरू करते हैं आयोडोफॉर्म। हमारा क्या है आयोडोफॉर्म? CHI3। आयोडोफॉर्म यानी इसको बनाने की जो विधियाँ होती हैं वो हेलोफॉर्म कहलाती हैं। तो हेलोफॉर्म से हम क्लोरोफॉर्म भी बनाते हैं और आयोडोफॉर्म भी बनाते हैं। तो इसकी अभिक्रिया बनाने की विधि किस तरह से होगी वो देखिए। इसमें इसकी प्रयोगशाला विधि में हम क्या करते हैं, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया आयोडीन से कराते हैं। तो सोडियम हाइपो आयोडाइड ये बनता है। अब इसकी अभिक्रिया हम क्या कराते हैं, या तो अल्कोहल लेते हैं या कार्बोनिल यौगिकों से अभिक्रिया कराते हैं। तो हम यदि अल्कोहल लेंगे तो वो भी कार्बोनिल यौगिकों में बदलेगा, और फिर उसकी अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड हाइपो आयोडाइड से कराएंगे तो इसमें आयोडोफॉर्म, अगर यहाँ पर Cl ले लेते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनते हैं। तो नेक्स्ट जो अभिक्रिया होगी, जैसे हम मान लो हमने यहाँ पर ले लिया एथिल अल्कोहल CH3CH2OH। अब एथिल अल्कोहल यानी अल्कोहल की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, सोडियम हाइपो आयोडाइड से कराते हैं। तो एसिट एल्डिहाइड बनता है NaOI CH3 C डबल बोन OH। एसिट एल्डिहाइड बनता है यानी कार्बोनिल यौगिक बन गया, जो आगे फिर अभिक्रिया करता है NaI+ में H2O। ये सहउत्पाद बनते हैं, इसे बोलते हैं एसिटैल्डिहाइड। आईपीसी नाम होता है इसका, एथेनेल होता है। ये हमारा फर्स्ट पद हो गया, ये हमारा सेकंड पद हो गया। इसके बाद थर्ड पद में क्या करते हैं, ये एसिटैल्डिहाइड फिर से इसे अभिक्रिया करता है CH3C डबल बोन OH+ में NaOI। सोडियम हाइपो आयोडाइड लेते हैं, इसकी अभिक्रिया इससे कराते हैं तो इसके हाइड्रोजन का विस्थापन आयोडीन से हो जाता है। यहाँ पर देखो इसके हम कितने 3 अणु लेते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म में लिए थे हमने, वहाँ पर विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया कराई थी। तो यहाँ पर इसके 3 अणु लेते हैं, तो यहाँ पर इसके तीनों हाइड्रोजन का विस्थापन आयोडीन से हो जाता है और यहाँ पर क्या बनता है हमारा सी। अब C से H नहीं जुड़ेंगे, H की जगह क्या हो गया, H को रिप्लेस कर देता है आयोडीन। तो यहाँ पर HI3 और इसके बाद क्या लगा देते हैं C डबल बोन H। इसको बोलते हैं ट्राई आयोडो एसिटैल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, ट्राई आयोडो एसिटैल्डिहाइड, ट्राई आयोडो एसिटैल्डिहाइड ये बनता है। अब जैसे ये बनेगा तो इसमें जो बाई प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाएगा, 3 NaOH के अणु निकल जाएंगे यहाँ पर। ये हमारा बाई प्रोडक्ट हो गया NaOH। अब नेक्स्ट में जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं, अब देखो इसकी अभिक्रिया होती कैसे है, जैसे मैं इसको यहाँ पर इस तरह से लिख दूँ HC डबल बोन, यहाँ पर C 3H है, ठीक है, इस तरह से अभिक्रिया होगी। ये सोडियम हाइपो आयोडाइड को हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर IONA है ना, IONA। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है इनका विस्थापन हो जाएगा, किससे, क्या बाहर निकलेंगे, H और NaOH, ये बाहर निकल गया है यहाँ पर। या इसको सीधा भी लिख दें तो भी इसमें इसी तरह से यहाँ पे ये दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल जाता है, यहाँ पर ये तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाता है और 3 आयोडीन इस पर आकर जुड़ जाते हैं और ये बन गया ट्राई आयोडो एसिटैल्डिहाइड। इसका जो दूसरा सामान्य नाम होता है हम इसको आयोडल भी बोलते हैं, आयोडल भी बोलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्या होगा, ये आयोडल आगे नेक्स्ट उसमें अभिक्रिया करता है
नेक्स्ट पद में जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं किसी भी NaOH से करा लेंगे, यानी वो ये दोनों ही आपस में जुड़ जाते हैं तो अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पद होगा हमारा चौथा पद होगा उसमें आयोडल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। यहाँ पर इसको ऐसे लिख दें हम H C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Ci3, ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराते हैं NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका H और यहाँ पर ये बाहर निकल जाते हैं तो ये बन जाएगा Ci3 और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये Ci3 प्लस में HC डबल बॉन्ड ONa, ये हमारा बन गया आयोडोफॉर्म। ये आयोडोफॉर्म बनाने की विधि हो गई जो चार पदों में संपन्न होती है, इसे हैलोफॉर्म अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम करते हैं इन सबको एक साथ मिला दें तो वो आयोडोफॉर्म यानी हैलोफॉर्म अभिक्रिया को एक साथ भी लिख सकते हैं चारों पदों को मिलाकर। तो जहाँ भी हैलोफॉर्म का नाम आए इसका मतलब या तो क्लोरोफॉर्म बनवाएगा या फिर आयोडोफॉर्म बनवाता है। इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, एग्जाम में आती हैं कई बार। यदि इन चारों पदों को मिलाकर लिखा जाए तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इनको, जैसे यहाँ पर एथिल अल्कोहल लिया है CH3CH2OH, ठीक है, एसीटोन भी ले सकते हैं इसकी जगह पर, एसीटोन यानी CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। इनके अभिक्रिया किससे कराते हैं हम, I2 से प्लस में जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैसा होता है एक्वस, इसके साथ इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर मेथिल आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप बनता है, पीला अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है NaI बाई प्रोडक्ट और H2O ये बनते हैं और प्लस में सोडियम यानी HC डबल बॉन्ड ONa। तो इस तरह से ये आयोडोफॉर्म बनता है। यदि हम अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं आयोडीन की, आठ आयोडीन है तो यहाँ पर चार लगा दो, चार दूनी आठ आयोडीन हो जाएंगी इसमें, और सोडियम कितने हैं पाँच और छः, तो यहाँ पर छः लगा दो NaOH, तो बैलेंस हो गई अभिक्रिया। इसी तरह से हम कीटोन को लेते हैं यहाँ पर, तो क्या बनता है इसमें, वही प्रोडक्ट बनते हैं, बस इसमें अंतर क्या होता है, आयोडीन ये हमारा एसीटोन है ना, एसीटोन से बना सकते हैं, कार्बोनिल यौगिक से भी बना सकते हैं इसको, प्लस में क्या लेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन के साथ इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर आयोडोफॉर्म बनता है, प्लस में 5 वो NaI सोडियम आयोडाइड H2O और प्लस में CH3C डबल बॉन्ड ONa बाई प्रोडक्ट के रूप में ये बाहर निकल जाते हैं। अब इनको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पर 3 3 6 आयोडीन 3 और 2 3 3 6 हो गए, ठीक है। इस तरह से जल के अणु यहाँ पर H2O है, H2O भी इसमें 3 H2O लगा दो और 4 NaOH हो जाएंगे, फिर 3 और 4 और 3 H2O, ठीक है, इस तरह से ये बैलेंस हो जाती है अभिक्रिया। तो ये हमारा आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप बन गया, ये इसको बनाने की प्रयोगशाला विधि है जिसको अल्कोहल से बना सकते हैं और एसीटोन से भी बना सकते हैं। इसके बाद इसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ये तो बनाने की विधि एक ही है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी आयोडोफॉर्म क्या क्या काम आता है और किस किस से ये अभिक्रिया करता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये प्रयोगशाला विधि है, हमने चारों पदों को एक साथ लिख दिया है, इसके दो तरीके हैं।
ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, मेन यही है। ज़्यादातर जब आयोडोफोन की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं, सिल्वर नाइट्रेट क्लोरोफोन के साथ अभिक्रिया करता है तो AgCl का अवशेष तो नहीं देता है, लेकिन इसके साथ ये अपघटित हो जाती है क्योंकि आयोडीन तुरंत ही मुक्त, थोड़ा सा गर्म करते ही आयोडीन रिमूव हो जाती है इसमें, तो यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप बनता है, यानी पीला अवक्षेप बन जाता है। तो ये AgNO3 से अभिक्रिया कर लेता है। और इसी तरह से यदि इसका अपचयन कराया जाता है, 2H यहाँ पर ये बन गया CH2 और I2 CHI2 प्लस में HI डाई आयोडोमेथेन बन जाता है। तो ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ये क्या संयोजन अभिक्रिया है, अपचयन है, रिडक्शन करते हैं। और यदि इसकी एल्किल एमीन के साथ VACOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, ये इनकी अभिक्रियाएं हो गई हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, पर आयोडोफॉर्म अभिक्रिया को याद रख लेना, वो इम्पोर्टेंट होती है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। ये इनकी रासायनिक अभिक्रिया है। इसके बाद हम इसका जो उपयोग किया जाता है वो एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं टेट्रा यानी CCl4 को बनाने की विधियाँ, इसको बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है, कैसे बनाया जाता है और इसके क्या क्या उपयोग होते हैं, क्या क्या इसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ये हमारा पॉलीहेलो एल्किन का लास्ट टॉपिक है इसमें। अब देखो, इसको जो बनाने की विधि है, हमने एल्किल हैलाइड में स्टार्टिंग में पढ़ी थी हाइड्रोकार्बन का हैलोजनीकरण, है ना। यदि हम हाइड्रोकार्बन का हैलोजनीकरण करते हैं, मैथेन का हैलोजनीकरण करते हैं, यानी मान Cl से कर दें, क्लोरीन से, किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है। और क्या बनता है कि ये अभिक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि यहाँ से चारों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्लोरीन परमाणु से ना हो जाए। तो अभिक्रिया में अंत में जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस में HCl। HCl के कितने अणु निकलेंगे, इसमें चार अणु निकलते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि चार हाइड्रोजन हटे हैं, उनकी जगह Cl आया है। तो Cl कितने हो गए हमारे, 8 Cl हो गए, यहाँ पर क्या लगा देते हैं, 4। इस अभिक्रिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, या कहें कि क्लोरोफॉर्म से बनाओ, या इसको क्लोरोफॉर्म से भी बना सकते हैं, CH3OCHCl3 क्लोरोफॉर्म। इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो भी वही होता है, एक बचा हुआ H ये भी बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, CCl4 प्लस में HCl, ये बन गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाते हैं। इसी विधि से तो हम क्या बनाएंगे कि क्लोरोफोन भी बना सकते हैं और कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी बना सकते हैं। तो ये विधि हो गई। इसके बाद है नेक्स्ट बनाने की जो विधि है वो है कार्बन डाई सल्फाइड की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, तो यहाँ पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है, CCl4 बनता है, और लास्ट में क्या निकाल दो, H2Cl2, ठीक है। तो इस तरह से ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाने की विधि है। तो इस कार्बन टेट्रा क्लोराइड को का काम क्या होता है, जो मेन होता है, इसका आग बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो व्यापारिक नाम होता है वो है, इसके व्यापारिक नाम को पायरीन कहते हैं, यानी पायरीन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसके उपयोग लिख लो, कई बार पूछ लेते हैं कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड का व्यापारिक नाम क्या है, यहाँ पर लिख दो, इसका व्यापारिक नाम पायरीन है, यह आग बुझाने के काम आता है, है ना। अच्छा, विलायक भी है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना, विलायक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। ये तो हो गई इसको बनाने की विधियाँ, ज़्यादा नहीं है, बस एक विधि है मेन, और ये इसका व्यापारिक नाम है। इसके बाद इसकी रासायनिक अभिक्रियाएँ, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड किस किस से अभिक्रिया करता है और क्या क्या उत्पाद बनाता है,
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। यहाँ पर देखो इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन टेट्राक्लोराइड सबसे पहले क्या कराते हैं, इसका अपचयन कराते हैं। यदि इसका अपचयन आयरन और जल की उपस्थिति में कराया जाता है, यहाँ पर दो एच लगा दो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनता है, CHCl3 प्लस में HCl बाहर निकलता है। तो क्लोरोफॉर्म भी इस कार्बन टेट्राक्लोराइड से हम बना सकते हैं। इसके बाद आता है जल अपघटन। इसका जल अपघटन दो तरह से होता है, एक तो पूर्ण जल अपघटन होता है, एक आंशिक जल अपघटन होता है। यहाँ पर KOH के साथ इसको जब गर्म करते हैं तो इसमें क्या बनते हैं, CO2 प्लस में H2O प्लस में KCl, ठीक है। इसका पूर्ण रूप से यहाँ पर जल अपघटन हो जाता है। और यदि 725 केल्विन पर इसको गर्म करते हैं, ये यहाँ पर जल अपघटन करते हैं H2O, यानी इसकी वाष्प अवस्था में 775 केल्विन ताप पर इसको गर्म करते हैं, तो यहाँ पर COCl2 यानी ये फॉस्जीन बनती है, जो कि अत्यंत विषैली गैस है, और HCl बाहर निकल जाते हैं यहाँ पर HCl। तो यहाँ पर इनकी अभिक्रियाएँ तो ऐसी होती हैं जैसे पहले भी बताया था, इनमें इसी तरह से इनकी अभिक्रियाएँ होती हैं। इसका पूर्ण अपघटन हो जाता है, टूट जाता है, जिससे क्या होता है, CO2, H2 और KCl मुक्त होते हैं। या इनको बैलेंस कर लेना, CO2 कितना होगा, जल कितना होगा और KOH कितना होगा, ये KCl। तो कैसे अभिक्रिया होती है, मैं इसकी एक बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ये है CCl और Cl, यहाँ पर इसमें चार Cl लगे हुए हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं KOH की उपस्थिति में, यानी KOH के साथ जल अपघटन कराते हैं KOH, ठीक है। कितने अणु लेते हैं, चार अणु लेते हैं, हमारे पास चार हैं, ये KOH प्लस में KOH, यहाँ भी क्या ले लेंगे, KOH। तो इसमें क्या होगा कि ये KCl एक अणु यहाँ निकल गया, एक KCl यहाँ निकल गया, ये निकल गया और ये निकल गया, तो चार KCl के अणु निकल गए। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, चार लगा देंगे। अब देखो कार्बन से कौन जुड़ गया, कार्बन से चार OH जुड़ गए यहाँ पर, OH और OH, यानी आंशिक जल अपघटन कराए तो हम इस तरह से यहाँ भी बन सकता है। थोड़ा सा और इसको गर्म करें तो इसमें से जल का अणु बाहर निकल जाएगा। जैसे मान लो ये यहाँ पर आया और इसकी जगह पर ये यहाँ पर आ गया, एक जल का अणु हो गया यानी H2 हो गया। इस तरह से फिर यहाँ पर क्या बनेगा, HOC OH। अब यहाँ से क्या होता है कि एक CO2 बाहर निकल जाती है और H2O बचता है, ये CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगी, CO2 प्लस में H2O। इस तरह से इसका पूर्ण अपघटन हो गया, यानी KCl तो यहाँ बन गए H2O कितना, एक, और यहाँ पर क्या हुआ, एक H2O तो यहाँ बन गया जल का अणु, एक जल का अणु यहाँ पर है तो दो जल के अणु हो गए और एक CO2 का अणु हो गया। इस तरह से इसका पूर्ण अपघटन हो जाता है। तो ये हो गई कार्बन टेट्राक्लोराइड की रासायनिक अभिक्रियाएँ। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर। इसके बाद पढ़ते हैं हम DDT, यानी DDT एक कीटनाशक होता है। तो इसको बनाते कैसे हैं कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, दो क्लोरोबेंजीन लेते हैं, क्लोरोबेंजीन, अब देखो क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, एक क्रियात्मक समूह क्या होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन लगे होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी पांच हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, छठे पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ऐसी यहाँ पर है। तो इसकी अभिक्रिया हम क्लोरल से कराते हैं। क्लोरल क्या होता है, C और यहाँ पर H लगा होगा, और यहाँ पर जो C होगा उससे तीन हैलोजन जुड़े हुए होंगे, यानी तीन क्लोरीन परमाणु जुड़े होते हैं, Cl, Cl और Cl। मैं इसको सुविधा के लिए ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसको इसके यहाँ पर जोड़ दो, ये C, Cl, Cl और Cl, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरल, रूट नाम है इसका, एल्डिहाइड का यौगिक था, एसिटाल्डिहाइड। अभी पढ़ा था हमने क्या था, जैसे मान लो CH3
और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड एच ये है, एसिड एल्डिहाइड है। यदि हम यहाँ पर इनका प्रतिस्थापन Cl से कर दें तो ये क्लोरल बन जाता है, ट्राईक्लोरो एसिड एल्डिहाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दूसरा नाम क्या होता है इसका, ट्राईक्लोरो एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड ठीक है, ये क्या है हमारा क्लोरो बेंजीन। इन दोनों को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या कराते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसमें से जल का अणु बाहर निकल जाता है माइनस H2O, और बाकी को इसको ऐसे ही लिख दो। यहाँ पर क्या है Cl, ये बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ है, ये किससे जुड़ जाएगा, अब देखो यहाँ से H निकला तो ये कार्बन इस कार्बन से आकर जुड़ जाता है, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं C इससे। ऐसी दूसरी बेंजीन वलय है, ये भी ऐसी जुड़ जाएगी यहाँ पर Cl डबल बॉन्ड, ये भी इस कार्बन से जुड़ गई, यानी ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन से आकर जुड़ जाते हैं। इससे और क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, ये H यहाँ लिख दिया, इसके आगे C है, C से क्या जुड़े हुए हैं Cl। अब देखो ये है हमारा DDT, यदि हम इसका नाम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, अब ये जो क्लोरीन है पैरा स्थितियों पर है तो हम क्या लिखते हैं, एक को P दूसरे को P डैश कॉमा P डैश, ठीक है, दो पैरा हो गए, डाई क्लोरो ये क्या है, फेनिल समूह है, कितने हैं दो, तो लिखेंगे डाई फेनिल। अब देखो मुख्य श्रृंखला हमारी ये है, दो कार्बन की है तो इसमें एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो नाम क्या हो गया, एथेन। इस कार्बन पर तीन क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो इसको क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो लास्ट में क्या लिखते हैं, एथेन, दो कार्बन है। तो ये DDT का क्या हो गया, IUPAC नाम हो गया, यानी DDT, ठीक है। ये एक कीटनाशक होता है जिसको खेतों में यूज करते हैं, एक हानिकारक पेस्टिसाइड है जिसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण इसको गवर्नमेंट ने, सरकार ने इस पर बैन लगाया हुआ है, तो एक DDT कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता था। इसके बाद आता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछते हैं कि BHC के व्यापारिक नाम क्या हैं, क्योंकि ये कई नामों से जाना जाता है, ये भी एक कीटनाशक होता है, फुल फॉर्म होती है इसकी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड ये इसका फुल फॉर्म है। ये बनता कैसे है कि जब बेंजीन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है, Cl2 के साथ कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में, अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में, यानी पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में, या लिख दें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसको न्यू से भी इंडिकेट कर सकते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। ये इस तरह से यहाँ भी Cl लग गया, Cl और Cl, 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 बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अब देखो यहाँ पर क्या है, कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, या इसको क्या बोल सकते हैं, कार्बन की संयोजकता तीन है, एक क्लोरीन है, एक ये बंद, एक ये बंद, यानी इसका मतलब एक बची हुई है, वहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, C6, H6 और Cl6 भी इसका अणुसूत्र लिख सकते हैं। अब इसी के आधार पर इसका जो नाम रखे गए हैं, व्यापारिक नाम, इसके व्यापारिक नाम क्या होते हैं, व्यापारिक नाम इनको पूछा जाता है कई बार, व्यापारिक नाम में इसको 666 भी बोलते हैं, ठीक है, 666 क्यों बोलेंगे, कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है और क्लोरीन भी 6 हैं, गैमेक्सिन, गैमेक्सिन, लिंडेन,
आदि नामों से इसको जाना जाता है। अब ये हुआ कैसे है, इसका IUPAC नाम क्या होगा BSC का, हम नंबरिंग कैसे भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः कार्बन हो गए, चक्रीय यौगिक है, 6 कार्बन पर 6 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा क्लोरो। ठीक है, अब देखो कार्बन कितने हैं, 6, किस अवस्था में है, चक्रीय अवस्था में है और सब एकल बंध से जुड़े हुए हैं, तो क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन, ये इसका IUPAC नाम हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अब ये होता कैसे है, हमें पता है देखो कितने क्लोरीन की जरूरत पड़ी है इसमें, माइनस यहाँ पर क्या होते हैं, कितने 6 क्लोरीन जुड़े हैं तो यहाँ पर 3 लगा देते हैं। अभिक्रिया कैसे होती है, देखो समझो कि जैसे मान लो ये बेंजीन वलय है, ठीक है, यहाँ पर एकांतर क्रम में द्विबंध है, अब क्योंकि सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया हो रही है, हमारे क्लोरीन के कितने अणु हैं, 3, तो Cl-Cl तीनों अणु ले लिए। सूर्य के प्रकाश का मतलब होता है मुक्त मूलक, यानी विषमांश विखंडन न होकर यहाँ पर क्या होगा, समांश विखंडन होता है, यानी इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है ये बंध के, एक बंध टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, ऐसे ही ये तीनों बंध टूटते हैं यहाँ पर, ये इसका इलेक्ट्रॉन इस कोने पर गया, इसका इस कार्बन पर गया, ऐसे ही इसका आधे तीर से दिखाते हैं ये इधर आ गया। ठीक है, अब ऐसे देखो यहाँ भी आधा तीर इधर और आधा तीर इधर, यानी मुक्त मूलकों का निर्माण होता है इस तरह से, समझ में आ गया। तो अब देखो ये जो समांश विखंडन हुआ तो इन पर क्या बन गए, ये डबल बॉन्ड हट गए, तो यहाँ पर बेंजीन की वलय कैसी बन गई, इस तरह से बन गई, ये एक इलेक्ट्रॉन इस पर है, एक इस पर है, एक इस पर है, एक इस पर है, बेंजीन में एक एक हाइड्रोजन तो पहले से ही था, वो तो जुड़ा हुआ है। अब ऐसे ही ये Cl भी क्या हो गए, सारे इन पर मुक्त मूलक बन गए, और ये किस तरह से अवस्था हो गई इनकी, ये यहाँ पर हटा रहा हूँ इसको, इस तरह से इन सब पर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी इनमें जो समांश विखंडन हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, एक इस पर। अब ये जो अकेले इलेक्ट्रॉन हैं ये इन इलेक्ट्रॉनों से जुड़ जाएंगे, जैसे ये इससे जुड़ा तो यहाँ पर बंध बना लिया, Cl हो गया, ठीक है, दूसरा Cl यहाँ जुड़ गया, तीसरा यहाँ जुड़ गया, चौथा यहाँ जुड़ गया, पाँचवा यहाँ और छठा यहाँ, इस तरह से बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनती है। तो ये मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा बनाई जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारा BSc हो गया, DDT हो गया, लास्ट टॉपिक है फ्रेओन। अब फ्रेओन कैसे बनाया जाता है, फ्रेओन क्या काम आता है, नाम भी सुना होगा, ये एक हमारे ओजोन परत को नष्ट करने वाला तत्व होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले। देखो फ्रेओन किसे कहते हैं, फ्रेओन में क्या होगा कि इसमें क्लोरो फ्लोरो और हाइड्रोकार्बन जुड़े होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पॉली का मतलब बहुत सारे जिसमें क्लोरीन परमाणु जुड़े हों, पॉली क्लोरो फ्लोरो और फ्लोरीन भी हो, फ्लोरो और एल्केन हो यानी कार्बन से जुड़े हों, एल्केनों को फ्रेओन कहते हैं, फ्रेओन्स कहते हैं, यानी इसमें बहुत सारे क्लोरीन और फ्लोरीन परमाणु हों और एल्केन से जुड़े हों तो उन्हें कहते हैं फ्रेओन्स। अब इसमें मेनली क्या होता है, जब किसी कार्बन परमाणु से क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़कर जिस यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी किसी कार्बन परमाणु से क्लोरीन व फ्लोरीन जुड़कर यौगिक बनाते हैं, उसे क्लोरो फ्लोरो कार्बन या CFC कहते हैं, इसे CFC के नाम से भी जाना जाता है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन।
के नाम से भी जाना जाता है। इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही हम फ्रेयॉन्स कहते हैं। अब बात आती है इनको बनाया कैसे जाता है फ्रेयॉन्स को। फ्रेयॉन्स के निर्माण की विधियाँ होती हैं, जैसे हम मैथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न, कार्बन टेट्राक्लोराइड या हेक्साक्लोरोएथेन की अभिक्रिया कराते हैं। इनके बनाने की जो विधियाँ होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि हम यदि हैलोजन यानी इसमें हाइड्रोकार्बन के क्लोरो या फ्लोरो व्युत्पन्न की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से कराते हैं SbCl5 की उपस्थिति में, तो कैसे अभिक्रिया होती है। हम कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं CCl4, यानी हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है, इसमें चार क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया HF से कराते हैं। SbCl5 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, SbCl5 की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं। तो बहुत सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं जिनके अलग अलग सूत्र होते हैं, जैसे फ्रेयॉन 11, तो इसमें क्या होता है CCl3F प्लस में HCl, तो ये हो गया हमारा फ्रेयॉन 11। अब इनके नामकरण कैसे होते हैं वो नामकरण बाद में पढ़ाएंगे, अभी पहले इसको बनाने की विधियां लिख लो। इसमें क्या होता है, एक क्लोरीन परमाणु का प्रतिस्थापन किससे हो जाता है, हाइड्रोजन परमाणु से हो जाता है, और हाइड्रोजन एक Cl को लेकर बाहर निकल जाएगा और F बचेगा। जैसे मान लो C यहाँ पर है Cl, Cl, Cl और Cl प्लस में HF से अभिक्रिया कराते हैं तो HCl बाहर निकल जाता है और F यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, तो क्या बनेगा CCl3F फ्रेयॉन 11। इसका नाम फ्रेयॉन 11 कैसे हुआ यह भी बताएंगे। इसके बाद अगला यौगिक हमने कहा था कि कार्बन के क्लोरो या कार्बन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न। अब ये क्या है, क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न है, इनसे भी हम बना सकते हैं अगला फ्रेयॉन CCl3F की अभिक्रिया HF से कराते हैं SbCl5 की उपस्थिति में, है ना, सेम अभिक्रिया होती है। तो इसमें एक फ्लोरीन यानी एक क्लोरीन को और हटा दिया जाता है, यहाँ पर क्या बनता है CCl, यहाँ पर दो हो गया F2 हो गया प्लस में HCl, तो इसको बोलते हैं फ्रेयॉन 12। इस तरह से फ्रेयॉन का निर्माण होता है। ये तो हो गए मैथेन यानी एक कार्बन वाले, एथेन से भी हम इसको बना सकते हैं, जैसे हम ले हेक्साक्लोरोएथेन, ठीक है, हेक्साक्लोरोएथेन यानी हमने कोई एथेन लिया, एथेन का सूत्र क्या होता है CH3CH3, यदि हम इसके 6 के 6 हाइड्रोजन को क्लोरीन से हटा दें तो यहाँ पर क्या बनेगा C2Cl6, ये बन गया, इसको क्या बोलेंगे हेक्साक्लोरोएथेन। इससे हम अभिक्रिया कराते हैं HF की कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर दो कार्बन हैं, यहाँ पर एक कार्बन था एक HF लिया था, एक कार्बन था एक HF, दो कार्बन हो गए तो यहाँ पर HF के दो अणु लेते हैं, उसी की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। SbCl5 की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो हमारा जो उत्पाद बनता है फ्रेयॉन 112 बनता है। अब देखो यहाँ पर C2Cl4 तो F कितने आएंगे यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर जितने यहाँ से क्लोरीन हटे हैं, दो क्लोरीन हटे हैं, दो फ्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएंगे इस तरह से ये, और प्लस में HCl बाहर निकल गए, दो अणु HCl के बाहर निकल जाते हैं, तो इसका नाम होता है फ्रेयॉन 112। क्या बोलेंगे इसको, फ्रेयॉन 112। तो ये इस तरह से हम क्लोरोफ्लोरो, ये सभी क्या हैं, ये सभी कहलाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हैं, जिनके अलग अलग नाम होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि फ्लोरो ट्राईक्लोरोमेथेन, है ना, डाईफ्लोरो डाईक्लोरोमेथेन, इसको बोलेंगे डाईफ्लोरो टेट्राक्लोरो और एथेन, ये C2 लिखना भी यहाँ पर, है ना, C2Cl4F2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे टेट्राक्लोरोडाईफ्लोरोएथेन, है ना, इस तरह से इनके नाम रख देते हैं हम। तो इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे अगला वो क्या होगा कि फ्रेयॉन का नामकरण, फ्रेयॉन्स का
नामकरण, नामकरण यानी इसका नाम कैसे रखते हैं, ये फ्रेयोन 11 क्यों है, ये फ्रेयोन 12 क्यों है और ये 112 क्यों है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी इसका नामकरण पढ़ते हैं, 10th क्लास में पढ़ा था इसका नामकरण, बिल्कुल इजी होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, नामकरण बिल्कुल इजी है, फ्रेयोन एक्स वाई जेड से इंडिकेट करते हैं, या एक्स होता है कार्बन की संख्या, वाई होता है हाइड्रोजन की संख्या और जेड होता है फ्लोरीन की संख्या, क्योंकि इसमें कार्बन है और फ्लोरीन है, क्लोरीन का कोई जिक्र नहीं है, बाकी जो जगह बचती है वहाँ पर हम Cl लगा देते हैं। तो इसमें जो इनके तीनों का वर्णन करते हैं कैसे करते हैं, इसमें यौगिक में यहाँ पर x क्या है, x बराबर है यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणु की कुल संख्या में से एक कम कर देते हैं, अर्थात C-1 लिखते हैं। C-1 का मतलब है जैसे इसमें एक कार्बन है तो एक में से एक गया तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर Y क्या है, Y यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कुल संख्या में एक जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं यानी H+1 कर देते हैं, ठीक है। अब जो बचा क्या, जेड, जेड की जगह क्या लिखते हैं, फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या, फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या को लिखते हैं, जितने फ्लोरीन है उतने ही लिखेंगे यौगिक में। अब जैसे मान लो हमारे पास इसका फ्रेयोन 12 क्यों पड़ा, जैसे इस यौगिक को हम यहाँ पर लिखें CCl2F2। अब देखो इसका नाम क्या लिखते हैं, फ्रेयोन कितना होगा, 11 होगा, 12 होगा, 112 होगा, 111 होगा, वो कैसे, इसमें देखो पहला क्या होता है X, X का मतलब होता है कार्बन, ठीक है। कार्बन में इस क्या करते हैं, कुल कार्बन में से एक कार्बन घटा देते हैं, तो यहाँ पर कुल कार्बन कितना है, एक ही है ना, तो x का मान क्या होगा, 1-1 बराबर क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रेयोन 0 हो गया, x का मान क्या हो गया, 0। अब आ जाओ y पर, y होता है यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन की कुल संख्या में एक जोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन दिख रहा है कहीं पर, कार्बन एक है, ठीक है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ये जोड़ दिए, 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, ये जोड़ दिए। अब इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना, तो हाइड्रोजन यानी वाई को क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन 0 है, प्लस में 1 है, क्योंकि एच प्लस क्या करते हैं, 1। अब 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका मान 0 आया, तो हमारा वाई क्या हो गया, 1, क्लियर है। अब आ जाओ फ्लोरीन पर, फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या को लिखते हैं, जितने भी फ्लोरीन हैं इसमें कितने फ्लोरीन हैं, 2, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ये हमारा जेड हो गया, ये 0 कोई काम का नहीं होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रेयोन 12 बोलते हैं, क्लियर हो गया। अब एक दो एग्जाम्पल और करते हैं इसमें, अब जैसे मान लो इस पर आ जाओ, हम ये एग्जाम्पल करेंगे, C2Cl4F2, ये है हमारे पास क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ठीक है। अब देखो पहले इसकी संरचना बनाने की कोशिश करो आप, वैसे याद नहीं रहता है कि हमें हाइड्रोजन का पता नहीं कितना है, कार्बन कितने हैं, 2, तो हमने यहाँ लिखा है यहाँ पर 2 कार्बन बना दिए। अब प्रत्येक कार्बन 4 बंध बनाता है, तो जुड़ने वाले प्रतिस्थापी कितने हैं, 4 और 2 6। अब देखो एक संयोजकता खाली है, 2 खाली है, 3 4 5 6 संयोजकताएँ खाली है हमारे पास, तो बराबर बराबर बांट दो, एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ गया, दूसरा फ्लोरीन यहाँ जुड़ गया, तो फ्लोरीन तो एक एक ले लिए दोनों ने, बचे क्या, क्लोरीन 4 है तो 2-2 ले लेंगे, यहाँ पर 2 क्लोरीन और यहाँ पर भी 2 क्लोरीन। अब हाइड्रोजन के लिए तो जगह ही नहीं है,
क्लियर है। तो हाइड्रोजन नहीं आएगा इसमें, तो इसमें क्या करते हैं, एक्स का मान कितना है, एक्स किसको इंडिकेट करता है, कार्बन को। यौगिक में कार्बन कितने हैं, दो, एक और दो। तो कार्बन में क्या लिखते हैं हम, कार्बन की परमाणु में कुल संख्या में से एक कम कर देते हैं, यानी सी माइनस वन। हमारे पास सी कितने हैं, दो, एक घटा दो कितना बचा, एक। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का मान क्या हो गया, एक हो गया। क्लियर है। अब वाई का मान निकाल लो, वाई किसको इंडिकेट करता है, हाइड्रोजन को। इसमें हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है भाई, जीरो। हाइड्रोजन में क्या जोड़ते हैं, एक जोड़ते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया हमने एक, तो टोटल कितना आया, एक आ गया। तो वाई का मान भी कितना आ गया, एक। एक्स का मान भी कितना आया, एक। अब आ जाओ जेड पर, जेड में क्या करते हैं, जेड का मतलब होता है फ्लोरीन। किसी यौगिक में जितने भी फ्लोरीन है उनको ऐसे के ऐसा लिख दो, तो फ्लोरीन परमाणु की संख्या लिख देते हैं, कितने फ्लोरीन हैं, एक और दो। यहाँ पर इस जेड का मान आ गया दो, तो हमारी संख्या कितनी हो गई, 112। तो इसका नाम क्या हो गया, फ्रेयोन 112, ये इसका नाम हो गया। अब जैसे मान लो मैं और दूसरा यौगिक दूँ, उसका तो आप बना लोगे, एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन हो, इस तरह के कर लेते हैं। यहाँ पर लिख दिया हमने C2 और F2 Cl2, ये यौगिक हैं, ये भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा, यानी एक्स कितना है, कार्बन कितने हैं हमारे पास, दो, तो एक्स का मान कितना आ गया, दो माइनस एक, भाई कार्बन की कुल संख्या में से एक घटा दो, ठीक है, तो कितना आया इसका मान, एक आ गया। क्लियर है। अब आ जाओ वाई पर, अब वाई का पता कैसे लगाएं, वाई का मतलब होता है हाइड्रोजन। अब हमें पता नहीं कितने हाइड्रोजन हैं उसमें, संरचना बना के देख लो, कितने कार्बन हैं, ऐसे बनाओ, दो कार्बन हैं, ठीक है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, प्रत्येक कार्बन की चार होती है, तो यहाँ पर छह संयोजकताएँ खाली पड़ी हैं दोनों कार्बन की, तो दो फ्लोरीन है हमारे पास, दो क्लोरीन है, दोनों एक एक बांट लेंगे, तो एक फ्लोरीन यहाँ लिख दिया, दूसरे का फ्लोरीन यहाँ लिख दिया, ठीक है, इसका क्लोरीन यहाँ लिख दिया, यहाँ हो गया भाई, हमने दोनों दो क्लोरीन लिख दिए, दो फ्लोरीन लिख दिए। अब बचा क्या, एक जगह बच गई, एक इसके पास खाली है, एक इसके पास, इसका मतलब यहाँ पर क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, तो दो हाइड्रोजन हैं। अब हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, हाइड्रोजन में एक जोड़ दो, तो पहले कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, दो, दो हाइड्रोजन हो गए, दो में कितना जोड़ दे, एक जोड़ दे, कितना आ गया, तीन। क्लियर है। अब आ जाओ जेड पर, जेड में देखो फ्लोरीन कितने हैं, एक और दो, तो दो फ्लोरीन हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, अब देखो फ्रेयोन 132 इसका नाम हो गया। जहाँ तक अब क्लियर हो गया होगा आपको सबको, नाम लिखना 10th में भी काम आए, वहाँ भी सीखा होगा, तो यहाँ आसान हो गया होगा सीखना। तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है, ये पूरा चैप्टर ही ख़त्म होता है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, है ना, मेहनत कर रहे हैं इस पर, तो आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा। तो इसके साथ मैं आज्ञा चाहता हूँ आपसे, अजय कुमार आज्ञा चाहता है, नमस्कार।